परम पूज्य साहेब जी, मंच पर विराजमान सभी संत जन, इस कार्यक्रम में बाहर से आए हुए भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपके इस साप्ताहिक वार्षिक कार्यक्रम का ये अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में आप सबसे मिलने का मेरा भी सौभाग्य हुआ है। आइए कुछ पल, कुछ विचार। सुखी कौन, सुखी कौन है जिसके पास अधिक धन है, गाड़ी बंगला है, पुत्र परिवार है, क्या वह सुखी है? सुखी कौन है? क्या झोपड़ी में रहने वाला सदैव दुखी रहता है? ऐसा नहीं है। झोपड़ी में रहने वाले जिसके पास संतोष रूपी धन है वह सबसे बड़ा सुखी है। एक बार एक महात्मा ठंडी के दिन निकला और चलते चलते संध्या का समय हो गया। संध्या के समय होते ही वह जो संत है आसपास देखा, कहीं जगह नहीं मिली तो देखा तो एक भड़भूज था। उस भड़भूज के नीचे जाकर सो गया क्योंकि ठंडी के मौसम में ठंड तो लग रही थी। उसके अंदर घुसा तो थोड़ा गर्माहट महसूस हुई और बड़े शांति से वह महात्मा सो गया। और उस भड़भूज के जस्ट सामने राजमहल था। राजमहल में राजा सोए थे। प्रातः उठे तो उन्होंने कहा, रात कैसे बीती? इस प्रश्न को सुना तो वह महात्मा ने कहा, रात बहुत अच्छी बीती। इस अजनबी आवाज को सुनकर राजा ने पुनः प्रश्न किया कि रात कैसे बीती? तब वह संत कहते हैं, कुछ आपके जैसे, कुछ आपसे भी अच्छी। राजा को लगा कि ये कोई अजनबी है और ऐसा संयोग कि उसके राजभवन में चोरी हो गया। पता चला, सभी सिपाहियों को बुलाया और आसपास चोर की पता लगाने लगा। चोर की जब पता लगाने लगा तो दूर दूर तक देखा, कहीं आवाज नहीं आई। तब वह राजा पुनः वह प्रश्न करते हैं तो प्रश्न जब किया तो वह जो महात्मा पुनः वही बात दोहराई। वहां पर सिपाही थे, सिपाही ने देखा और उस महात्मा को पकड़ लिया और कहा कि यही हो सकता है चोर। उसको ले गया। राजा ने कहा कि तूने मेरे राज दरबार में आकर चोरी किया है? चोरी तो नहीं किया है। तब कहे, मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे थे? तो कहे, महात्मा कि मैंने दिया, मुझे क्या पता कि कौन है। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि जो भी होगा वो एक गद्दे में सोया होगा
और एक सुरक्षित स्थान होगा। तब वह महात्मा, तब राजा कहे कि मुझसे अच्छी कैसे, क्योंकि एक सन उस भड़भुज में सोया तो राख के ऊपर जो गर्माहट थी उसमें तो गरम गरम थी, और राजा सोया था गरम गरम गद्दे पे और महात्मा सोए थे गरम गरम राख पे, तो दोनों हो गया बराबर। लेकिन आप मुझसे अच्छी कैसे कहे? तब महात्मा ने कहा कि राजन, मैं जब उठा तो आत्म चिंतन में लग गया, प्रभु चिंतन में लग गया, लेकिन आप जब उठे तो आपको इस दुनियादारी की, राजपाट की सारी चिंताएं घेरने लगी, इसलिए आपकी जो रात्रि कालीन है वह मुझसे कम ही ठीक है, और मेरी जो रात्रि कालीन है वो आपसे भी अच्छी बीत गई। राजा को बहुत अच्छा लगा। ये संत होते हैं, संत के पास कोई महल नहीं होता, ना ही अधिक धन होता है, ना उनका कोई परिवार है, फिर भी से वो इतना सुखी क्यों रहता है? क्योंकि हर पल हर क्षण मौत को देखने वाला कभी दुखी नहीं होता है। और हम सब दुखी इसलिए होते हैं कि हमें लगता है कि मानो हम इस दुनिया में आए हैं तो कभी जाएंगे ही नहीं। धन को जोड़ने में, परिवार के लिए लड़ाई तू-तू मैं-मैं करने लगते हैं, और तन के छूटते ही सब वीरान हो जाता है। आखिर हमारे जीवन में क्या रह जाता है? जीवन जीते तक यदि सुख से जीना है तो सुख से जीने का उपाय है, जो हमें मिला है उसमें संतोष होना चाहिए। यदि संतोष रूपी धन जिसके पास आ गया तो मानो उसे जीवन जीने का तरीका आ गया। हमें अगर सूखा रोटी भी मिले तो उसे प्रेम से खा ले। परिवार में अगर माताएं हैं, चार अगर बहुएं हो गए तो चार बहुएं अगर हो गई तो चारों बहुएं में आपस में ऐसा प्रेम बना के रखे कि एक दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे की तरह खूब प्यार दे। अगर प्यार अपने बच्चे से बढ़ के अगर अपने देवरान जेठान के बच्चे को प्यार देते हैं तो समझना उस घर में प्रेम है। और ये संस्कार अपने अपने बच्चों से बढ़कर के अपने परिवार में अपने देवरान जेठान के बच्चों को प्रेम देना शुरू करें तो जरूर वह घर स्वर्ग बन सकता है। और जो मिलता है बच्चों में बांट कर खाने की शिक्षा देना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने बच्चों को अच्छे खिलाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर सुख से रहना है तो हमारे अंदर त्याग की भावना हो। अगर त्याग की भावना है और जो मिलता है उसमें अगर संतोष है तो वही घर स्वर्ग है, और वही इंसान उस वैसे घर में रहने वाले परिवार सुख को, शांति को प्राप्त करता है। तो सुखी बनने के लिए ये सदगुरु संत महात्मा जीने की कला सिखाते हैं, और इस कला को यहाँ सुन करके अपने जीवन में धारण करेंगे और बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो ये जीवन का पाना सार्थक होगा। और अधिक न कहते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय।